हेलो फ्रेंड्स, तो अक्सर जब आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं, आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, आप वीडियोस डाउनलोड करते हैं, तो इंटरनेट पर वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिप फाइल्स का। जी हाँ फ्रेंड्स, जिप फाइल्स का ऑप्शन आपको हमेशा दिखाई देता होगा, लेकिन फ्रेंड्स आपको उसके बारे में जानकारी नहीं होती, जिसके कारण आप उसको इग्नोर कर देते हैं और आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप जान जाएं कि ये ऑप्शन होता क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है फ्रेंड्स, और आपके कहीं ना कहीं बहुत सारा जो डेटा है उसको सेव कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिप फाइल क्या होती है, कैसे ये काम करती है, या फिर इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जिप फाइल होती क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जिप फाइल होती है उसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जिप फाइल एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स को कंप्रेस करके रखा जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेस का मतलब है किसी भी फाइल का जो साइज है उसको कम कर देना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक जिप फाइल के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं जिनके साइज को, यानी कि उनको कंप्रेस करके वहाँ पर उनको स्टोर किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो साइज होता है ये कम हो जाता है, जिसके कारण इसको इंटरनेट पर अपलोड करना या इसको डाउनलोड करना काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा आज के इस समय में जिप फाइल्स हर एक कैटेगरी में इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, फिर चाहे वो कोई गेम की जिप फाइल हो, कोई मूवीज़ की जिप फाइल हो, कोई वीडियो सॉन्ग्स या ऑडियो सॉन्ग्स की जिप फाइल हो, और आज के इस समय में आप सॉफ्टवेयर्स की भी जिप फाइल बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने किसी एक पर्टिकुलर मूवी के सारे सॉन्ग्स डाउनलोड करने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अलग अलग सॉन्ग्स को डाउनलोड करेंगे तो आपका जो कह सकते हैं डेटा है, जो स्टोरेज है, वो कहीं ना कहीं एक जिप फाइल के कंपेयर में ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिप फाइल में जो उस मूवी के सारे सॉन्ग्स हैं वो एक फाइल के अंदर आ जाते हैं, और वहीं आप उसको अलग अलग डाउनलोड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका जो डेटा है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जिप फाइल को कंप्रेस किया जाता है, इनके अंदर जो फाइल्स होती हैं, जिसके कारण उसका जो साइज होता है वो कम हो जाता है, और इस साइज को आप 80-90% तक कंप्रेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमारी जो इमेजेस होती हैं उनके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे JPG इमेज हो गया, PNG हो गया, उसी तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो जिप फाइल होती है इसमें भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, लेकिन इन सभी का जो काम होता है वो एक ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जिप फाइल के अंदर जो भी फाइल्स हैं उनको अलग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की हेल्प से ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और एक जिप फाइल को अनजिप कर सकते हैं, यानी कि उसके अंदर की जो फाइल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वहाँ से उनको निकाल के इंडिविजुअली या सेपरेटली आप उनको अपने स्टोरेज डिवाइस में सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिप फाइल क्या होती है, कैसे ये काम करती है, किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।